नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। नई अफीम पॉलिसी 2024-25 को लेकर लगातार वॉइस एमपी की टीम पल पल की जानकारी अब तक पहुंचा रही है, किस तरीके से लगातार बैठकें हो रही है। साथ ही अगर बात करें तो अफीम किसान संगठनों ने भी हल्ला बोल करते हुए लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अगर बात करें तो पिछले 23 तारीख से ये शुरुआत हुई है, जो आज 26 तारीख तक लगातार अलग अलग जिलों में जाकर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जा रहा है। इस बीच अगर बात करें तो एक चित्तौड़ से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर किसान यूनियन संगठन ने अफीम पॉलिसी में बदलाव को लेकर, उनकी मांगों को लेकर जो है ज्ञापन सौंपा। इस वक्त की सीधी तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, साथ ही स्क्रीन पर ये भी देख पा रहे होंगे किसान क्या मांगे चाहते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके लगातार हम आप तक जो है अपडेट पहुंचा रहे हैं किसान संगठनों की मांग को लेकर। साथ ही अगर बात करें सरकार के, वो जो जनप्रतिनिधि जो है नीमच मंसूर असलम और चित्तौड़ के जो सांसद है, उन तक भी जानकारी पहुंचा रहे हैं कि आखिर किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे जो है हर बार की तरह टाल दी जाती है। जो पॉलिसी आती है उसमें वो मांगे नहीं दिखती है। ऐसे में बात करते एक बार फिर जो है अपनी मांगों को लेकर दिल्ली अब जो अफीम किसान है वो चित्तौड़ से अब कूच कर सकते हैं। ऐसी जानकारी निकल के आ रही है कि नीमच मंसूर और चित्तौड़ के किसान दिल्ली कूच कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। इस तरह की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।